आज हमारे साथ हैं रतन 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 देवी शाह, कहाँ के निवासी हैं? ये जनकपुर है। जनकपुर सीता जी की जो जन्मभूमि है नेपाल में, और जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? जैसे कि सूजन था, उसके बाद वीकनेस बहुत ज्यादा है, फिर जैसे कि वो उल्टी आना, चींटा आना, ऐसे ऐसे। अच्छा, काफी क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था लगभग? क्रिएटिनिन भी था, 7-8 के आसपास चला गया था क्रिएटिनिन। रिपोर्ट में रिपोर्ट लाए हो पहले वाली? पहले वाला भी नहीं लाए। तो पहले वाला में तो काफी फिजिकल लेवल पर चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको। क्या क्या फर्क आया है? ये पेशेंट कौन है आपकी? माँ है मेरी। माँ है। क्या क्या दिक्कत आ रही थी पहले और कैसे कैसे आराम है? जैसे कि सूजन पहले से कम हुआ है, और एवरेज में पहले से रिफ्रेश जो होता है ना, एक जैसे कि वीकनेस नहीं होना, फ्रेशनेस ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है। पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये आपको नेपाल से यहाँ पे आप आए हैं, अपनी माता जी के लिए आए हैं दवा लेने के लिए। पहले तो काफी गंभीर समस्याओं से जूझ रही थी, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था, काफी ऊपर तक चला गया था। अब तो नॉर्मल के रेंज में आ रहे। टेस्ट कहाँ से कराए आपने? जनकपुर से ही कराए। बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो चल रही थी, और किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट्स नजर आई है। 21 जुलाई पहले अगर हम देखेंगे तो ये क्रिएटिनिन जो था इनका वो बढ़ा हुआ था, लगभग 2 के आसपास चला गया था, 2.4, और उससे पहले ये 7-8 की रेंज में था। डायलिसिस बता दिया था डॉक्टर ने? डायलिसिस नहीं बोला था, लेकिन अब ऐसा ही तो बर्थ कराना पड़ेगा। उसके बाद ये आए, उस वक्त क्रिएटिनिन 1.67 हो गया। ये जनकपुर से ही इन्होंने टेस्ट कराया 1.67, और ये आप देख सकते हैं ये सूर्या पैथोलॉजी है यहाँ पे जनकपुर में, वहां से इन्होंने कराए हैं। 1.67 था क्रिएटिनिन उस समय, और अभी एक इन्होंने टेस्ट कराया, इसके अंदर 1.17 आ चुका है क्रिएटिनिन। काफी अच्छा रिड्यूस हुआ है, नॉर्मल की रेंज हो चुकी है, नॉर्मल की रेंज में आ चुका है। पहले जो था ये अधिक चल रहा था, उससे पहले 2.5 था। तीन ही रिपोर्ट लाए हैं, उससे पहले वाली नई रिपोर्ट लाए हैं। 2.5 था उससे पहले, 7-8 की रेंज में था। आज किस प्रकार से इस गंभीर बीमारी को जीता जा सकता है, ये रिपोर्ट के माध्यम से हम लगातार सिद्ध करते आ रहे हैं। एक होता था, हम पढ़ते थे जब मैथ्स में, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ का मतलब है उसको हम प्रूफ कर चुके हैं। ये इसी प्रकार से हम प्रूफ कर चुके हैं कि किडनी का इलाज किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से इसको जीता जा सकता है, किस प्रकार से क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से डायलिसिस से छुटकारा पाया जा सकता है, किस प्रकार से ट्रांसप्लांट को आवश्यकता ना पड़े वो वाली स्टेज लाई जा सकती है। और ये सब हो रहा है साइंटिफिक पैरामीटर्स पे, साइंटिफिक आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे। और ये एक नहीं, सैकड़ों नहीं, आज ये विश्व भर के मरीज जुड़ चुके हैं इन कड़ियों में हमारे साथ, कर्मा आयुर्वेदा के साथ, जिनको अनगिनत तरीकों से लाभ हुआ है। और आज उसमें एक नेपाल के जनकपुर के निवासी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कह सकते हैं हम खुशी से कि जो बीमारी, जो प्रॉब्लम है, इसका इलाज संभव है। जरूरत है तो आपके विल पावर की, और आपका हमारे से जुड़ने की, और जिस प्रकार आपको हम बताएं उस प्रकार वो फॉलो करने की। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205, 0114264427। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।